हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ तनु। आज मैं आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप पानी से अपने बालों को कैसे लंबा काला घना बना सकते हैं। और मेरी आज का वीडियो शेयर करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने बालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, तेल लग जाता है तो वही काफ़ी हो जाता है, लेकिन जब तेल लगा लेते हैं तो हम अपने बालों पर पैक अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपने अपने बालों में तेल लगा रखा है या फिर तेल लगाने का मन नहीं है, अगर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बालों में पैक लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तेल लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टोनर भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे बाल जो है लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं। और जो भी पॉल्यूशन होता है और सनरेज से हमारे जो बाल ख़राब हो जाते हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम इतने बिजी रहते हैं तो फिर हम अपने बालों पे इतना सब कुछ तो नहीं कर पाते। सिर्फ हमारा संडे का दिन होता है तो संडे में वैसे भी जो लोग जॉब करते हैं या फिर बाहर रहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो संडे का दिन पूरा अपने बालों में लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और मेरी सारी चीज़ ऐसी ही होती हैं कि जो जल्दी से बन भी जाए और बालों को ज़्यादा असर भी पहुँचाए। क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ तो मैं भी ज़्यादा ताम झाम वाले काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको बनाओ फिर उनको ये करो वो करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ हमारे बालों पर हम अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं और आलस भी इतना हो जाता है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी फालतू की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, और इस वीडियो से अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस टोनर को बनाने के लिए आपको एक पैन चाहिए और आप उसमें ऐड कर दीजिए एक गिलास पानी। और फ्रेंड्स, आप गैस बिल्कुल लो रखें, हाई बिल्कुल ना करें। और आप पानी कोई सा भी ले सकते हैं, आपके यहाँ अगर खारा आता है तो आप वो भी ले सकते हैं, और आप जो फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करते हैं तो आप वो भी जो पीते हैं आप वो भी ले सकते हैं, तो दोनों पानी आप ले सकते हैं। और इसको हमें अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जब ये थोड़ा सा गुनगुना होने लगे, भाप उठने लगे पानी में से, तब हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी मेरा जो है गुनगुना हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच भृंगराज पाउडर, ये बहुत ज़्यादा मेन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ख़रीद लीजिए। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो है बायो का, तो ये 100% प्योर है, आपको आसानी से ऑनलाइन मिल भी जाएगा। और फ्रेंड्स, भृंगराज पाउडर जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे बालों को लंबा करता है, घना बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बालों को लंबा करता है, घना करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, और ये बेहतर कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ जो गंजेपन की शिकायत होती है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से स्कैल्प दिखने लगती है, तो उसको भी रोकता है। और जो हमारे असमय सफ़ेद बाल हो जाते हैं, मतलब कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी रोकता है, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ख़रीद लीजिए और अपने बालों में लगाइए, बहुत ही बेहतरीन काम करता है बालों के लिए। मैंने इसका तेल भी शेयर किया है आपसे और पैक भी शेयर किया है, और ये मैंने आपसे आज टोनर भी शेयर कर दिया। अगर आप ये तीनों चीज़ें एक महीने में लगा लेते हैं तो आपको एक महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा अपने बालों में। और फ्रेंड्स, आपको ये इस तरीके से ही चलाते रहना है, गैस को बिल्कुल हाई नहीं करना है, लो में ही हमें रखना है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है चलाते रहिए। और फ्रेंड्स, आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2 बारी के लिए बनाया है, 2 बारी के लिए बहुत ज़्यादा है। और आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें उबाल आ गया है, इस तरीके से हमें उबाल चाहिए। अगर आपका ये 1-2 बार उबाल आ जाए तो यानी कि आपका ये जो टोनर है बन के तैयार हो गया है।
और गैस फिर भी आपको हल्की ही रखनी है, आपको तेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक दो उबाल आ जाए फिर आप इसको फिर से इस तरीके से चलाइए। इस तरीके से चलाते रहिए एक दो मिनट और उसके बाद आप जो है गैस को बंद कर दीजिए। गैस को मैंने यहाँ पर अब बंद कर दिया है और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा हो गया है तो मैंने यहाँ पर छन्नी की मदद से बिल्कुल नहीं छाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो भृंगराज पाउडर है वो ठहक गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छन्नी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कपड़े या फिर छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ठंडा ही अपने बालों में लगाना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कैस्टर ऑयल। आप इसमें कैस्टर ऑयल ही ऐड करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदें। अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिर से रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल। ये भी यहाँ पर मैं 5 बूंदें ऐड कर रही हूँ। यह हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और लेवेंडर जो है हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप मत यूज़ करिए। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टोनर है बन के तैयार हो गया है। आप इसको कॉटन की मदद से भी आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। और मैं आपको इसलिए लगा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बालों में तेल भी नहीं लगाया है और मुझे अभी ऑयल भी नहीं करना था, तो इसलिए बिल्कुल मैंने अपने बालों पे नहीं लगाया। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और आपको ये आप स्प्रे बॉटल में डाल के भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसको ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा करिए कि आपके संडे के दिन छुट्टी होती है तो सैटरडे के दिन आप 2 या 3 बार इसको अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद संडे में जब आपको हेयर वॉश करना हो तो उससे पहले आधे घंटे पहले फिर आप अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रोज़ अप्लाई करें, जैसा आपके पास टाइम हो आप उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने तेल भी शेयर कर रखा है और इसका पैक भी शेयर कर रखा है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसका तेल भी लगाएंगे और पैक भी लगाएंगे और आप ये टोनर भी लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भृंगराज है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों को लंबा घना बनाने के लिए। आपको सिर्फ इसमें एक ही तो चीज़ चाहिए, वो आप खरीद लीजिए। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों, घने हों, मजबूत हो तो आप ये ख़रीद लीजिए। आपको सिर्फ ये 200 रुपये का पड़ेगा और 200 रुपये का आप कम से कम 2 या 3 महीने आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा महंगा ब्रांड देख के ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सस्ता वाला लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो सस्ते होते हैं वो आपको असर नहीं करेंगे। आप देख लिए पहले उसको, रिसर्च करिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तभी आप उसको खरीदिए। आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन में आपको बहुत ज़्यादा भृंगराज के मिल जाएंगे और आप जिस तरीके से आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं आप उस तरीके से कर सकती हैं। ज़्यादा महंगा खरीदना चाहती हैं तो महंगा भी खरीद सकती हैं, सस्ता खरीदना चाहती हैं तो आप सस्ता भी खरीद सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपने बालों में लगाइए, आपके बाल बहुत ही जल्दी, आपको 1 महीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर आप तीनों चीज़ करते हैं, तेल भी लगाते हैं, पैक भी लगाते हैं और टोनर भी लगाते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं और इसके बाद मैं आपको मेथी के भी कई सारे जो हम उसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए जो आपने अभी तक किया नहीं है, और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए। और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आईडी दे रखी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।